हेलो एवरीवन, चलिए आज हम बनाते हैं शाही चिकन कोफ्ता करी। ये रेस्टोरेंट में मिलने वाला शाही चिकन कोफ्ता करी घर पे आप बहुत ही आसान तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। इसे आप स्टीम राइस के साथ या आप पुलाव के साथ, नान के रोटी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और साथ ही साथ ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और अंदर से एकदम जूसी होता है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए बिना देरी किए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है। ये बोनलेस चिकन हमने लिया है क्योंकि कोफ्ते के लिए बोनलेस चिकन बहुत अच्छा होता है। और इसे हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। तो इसके लिए हम एक बोर्ड लेते हैं और बोर्ड पे हम छोटे छोटे इसका पीसेस कर लेते हैं। कोफ्ते के लिए कीमा चाहिए, तो कीमा तो हमारे पास नहीं है, तो हम इसे क्या कर रहे हैं कि छोटे टुकड़ों में कट करेंगे और मिक्सी में इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए घुमा लेंगे। तो बस ये हमारा कीमा बनकर रेडी हो जाएगा। तो बस इसे हम चॉप कर लेंगे। इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में इसे हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं कितने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। और लीजिए, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इसे हमें क्या करना है कि मिक्सी जार में इसको हमें कीमा बना लेना है। तो हम मिक्सी जार में इसे डाल देंगे और डालकर इसका हम कीमा बना लेंगे, दरदरा सा कीमा। आप देख सकते हैं कि ये हमारा दरदरा सा कीमा बनकर रेडी हो गया। तो इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर ले रहे हैं और ये जो बचा है इसको भी हम कीमा बना लेते हैं। फाइनली हमारे चिकन को बहुत अच्छी तरीके से कीमा बना लिया है, तो इसे हम निकाल ले रहे हैं और ये हमारा कीमा पिसकर रेडी हो चुका है। तो चलिए इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं, जिसमें हम डाल रहे हैं कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, यहाँ पे हम मेल्ट लीफ डाल रहे हैं पुदीना के पत्ता, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और हम आधा कटोरी इसमें डाल दे रहे हैं धनिया पत्ता, यहाँ पे 1/2 टेस्पून डाल दे रहे हैं रेड चिली पाउडर, 1/4 टेस्पून डाल दे रहे हैं यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टेस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेस्पून डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर, यहाँ पे हम 1/2 टेस्पून डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार। हमें ग्रेवी में भी नमक डालना है तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक कम ही डालेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1 अंडा, इससे बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे कीमे का बाइंडिंग हो जाता है और एकदम हमारा जो कोफ्ता बनेगा बहुत ही अच्छी तरीके से। और अंडे को डालकर हम मिक्स कर लेंगे इसे। इसमें कोई बेसन या आपको कॉर्नफ्लावर डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जैसे हम आटे का डो लगाते हैं वैसा ही इसका डो लगा लेंगे, एकदम चिपचिपा। और इसे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा कीमा रेडी हो गया है। तो इसे हम हाथों में थोड़ा सा ऐसे लेकर देखते हैं कि ये हमारा गोल एकदम बॉल्स बन रहा है कि नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा बॉल्स बन जा रहा है। तो बस ये कीमा रेडी हो गया है। इसे हमें एक छोटा छोटा बॉल्स बना लेना है, ना बहुत ज्यादा बड़ा बनाना है और ना ही बहुत ज्यादा छोटा, मीडियम साइज का इसका बॉल्स बना लेना है। और आप देख सकते हैं कि हमारे कीमे का बहुत ही अच्छा कोफ्ता का बॉल्स बन गया है। तो इसे हम रख लेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से हम अपना सारा बॉल्स को बना लेंगे। तो लीजिए, हमारा बॉल्स बनकर रेडी हो गया कोफ्ते के लिए। ये लगभग हमारा 20 से 25 कोफ्ता हुआ है। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही ग्रेवी में डाल देते हैं, लेकिन हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। कोफ्ते को फ्राई करने के लिए इधर मैंने गैस पे पैन में तेल चढ़ाया है। हमें तेल को पूरा हाई गर्म नहीं करना है और ना ही लो, मीडियम में तेल रखना है। तो बस यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो गया है, तो हम एक एक कोफ्ते को यहाँ पे डाल दे रहे हैं। और यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। और सारे कोफ्ते को हम इसमें डाल देंगे और डालकर इसे हम फ्राई करेंगे। तो लीजिए, हमने कोफ्ते को डाल दिया है और इसे अभी बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने देना है और 1 मिनट होने के बाद इसे हल्के हल्के हाथों से अलटना पलटना है। और आप देख सकते हैं कि हमारा कोफ्ता बहुत ही अच्छी तरीके से फूलने लगा है और ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। तो बस इसी तरीके से अलटते पलटते हुए हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और इसे हम पलट दिए हैं, तो बस इसे हमें लो टू मीडियम आंच पे 5 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और लीजिए, हमारा जो कोफ्ता है बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। 4 से 5 मिनट में कोफ्ता बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाता है। तो बस यहाँ पे हमें निकाल लेना है कोफ्ते को। और आप देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ते का कलर कितना बढ़िया आया हुआ है।
तो यहाँ पे हम अपने सारे कोफ्ते को निकाल ले रहे हैं। इस तरीके से कोफ्ता ग्रेवी आप जब घर पे बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा। और ये देख सकते हैं कि बहुत ही ये फूला फूला हमारा कोफ्ता हुआ है। तो चलिए अब हम इसका ग्रेवी बना लेते हैं। इसके लिए गैस पे हमने एक कढ़ाई को चढ़ा लिया है और इसे हम कर ले रहे हैं गरम। और कढ़ाई गरम होते ही हम डाल देंगे 1 कप हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल और साथ में डाल देंगे 1 क्यूब बटर। आप बटर के जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और इसे हम गरम कर लेंगे। और जैसे ही हमारा घी और तेल गरम हो जाए तो हम यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डाल दे रहे हैं, जिसमें हमारा 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और यहाँ पे जीरा और यहाँ पे है दालचीनी और 2 तेजपत्ता। हम इन सबको इसमें डाल दे रहे हैं और डाल कर चटकने देते हैं। हमारा जब सारा गरम मसाला चटक जाए तो हम यहाँ पे डालेंगे 4 कटा हुआ प्याज। ये छोटे छोटे साइज का 4 कटा हुआ प्याज है और इसे मैंने बारीकी से कट कर लिया है। और इसे सौते कर लेना है हमें तब तक जब तक कि हमारा प्याज पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। प्याज में जब कलर आ जाएगा गोल्डन ब्राउन तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। प्याज आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से ये नरम हो गया है, तो हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। तो यहाँ पे हम फ्लेम को हाई ही रखेंगे और हाई रखते हुए ऐसे स्पेचुले को चलाते हुए हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और लीजिए देख सकते हैं कि हमारा प्याज बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कप टमाटर प्यूरी। हमने 2 टमाटर को यहाँ पे मिक्सी जार में प्यूरी बना लिया है और इसे डालने के बाद हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। टमाटर हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर ऊपर आने लगा है। तो यहाँ पे हम मसाले को डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब डाल रहे हैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ इसे हमें भुनाई करना है। मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनने से हमारे कोफ्ते में बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। तो हमें यहाँ मसाले को लगभग 2 मिनट के लिए भून लेना है। और लीजिए मसाले को हमें भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है और ये बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। हमारे मसाले का कच्चापन निकल गया है। तो बस यहीं पे हम कुछ बेसिक से मसाले डाल देते हैं, जिसमें 1/2 टेबल स्पून डाल रहे हैं यहाँ पे हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर इसका बहुत ही अच्छा आता है, और 1 टेबल स्पून डाल दे रहे हैं धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डाल दे रहे हैं रेड चिली पाउडर, इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है और थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखिए कि हमने कोफ्ते में भी नमक डाला हुआ है, तो आप इसी अनुसार डालिए कि आप जब कोफ्ता डालेंगे तो आपका स्वाद बहुत ही अच्छा होगा। और इसे मिक्स करते हुए हमें भूनना है। यहाँ पे मसाले में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और डालकर इसे हमें पका लेना है 2 मिनट के लिए, ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक जाए और ये सॉफ्ट हो जाए, एकदम मखमल की तरह हमारा मसाला हो जाए। और मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें 5 मिनट तक मसाले को पका लेना है। और हमारे मसाले को पकते हुए 5 मिनट हो चुका है, तो हम ढक्कन हटाते हैं और अब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी इसकी कलर आ चुकी है और इसका बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए इसे हमें भून लेना है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि ये जो पानी है ये सूख जाए। और मसाले को यहाँ भूनने के बाद हम डाल दे रहे हैं 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और इसे भी हम मिक्स कर ले रहे हैं। और यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं 1/2 कटोरी दही। ये दही हमने फेंट लिया है। आप दही को फेंट कर डालेंगे तो आपका दही फटेगा नहीं। तो हमने दही को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लिया है। 100 ग्राम दही है तो यहाँ पे हम दही को डाल दे रहे हैं। और दही डालने के बाद बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बस फिर से हम इसे ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगाकर इसे हम पकाएंगे। और लीजिए आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला पक गया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और तेल इसका बहुत अच्छी तरीके से ऊपर सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे हम 1 कप पानी डाल रहे हैं ग्रेवी के लिए। आप जितना थिक ग्रेवी खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी को इसमें डाल दीजिए। और पानी डालने के बाद बहुत अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी बढ़िया हुई है, एकदम मस्त हमारा ग्रेवी हुआ है। तो बस यहाँ पे हम अपने कोफ्ते को डाल देंगे जिसे हमने फ्राई करके रखा हुआ था। इस तरीके से जब आप चिकन कोफ्ता बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप लोग अपने घरों पे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और इसे हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर हमें लो टू मीडियम आंच पर 5 मिनट तक इसे कुक करना है। एकदम आहिस्ते आहिस्ते इसे आप कुक करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो ग्रेवी है कोफ्ते के अंदर जाएगा।
यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है हमारे कोफ्ते को पकते हुए, और आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस और एकदम सॉफ्ट हमारा कोफ्ता बनकर तैयार है। तो ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें ऐड कर देंगे, इससे कोफ्ते में 4 चांद लग जाएंगे और बहुत ही टेस्टी हमारा कोफ्ता बनकर रेडी हो जाएगा। और इसे हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा कोफ्ता बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे अब हम गैस के लीड को हम यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं, और बंद करने के बाद आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। इस तरीके से चिकन कोफ्ता आप जब घर पे बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। ये मिनटों में बन तो जाता है लेकिन खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है, एकदम रेस्टोरेंट जैसा हमारा चिकन कोफ्ता बनकर तैयार है। और लीजिए हमारा कोफ्ता एकदम तैयार है। तो ऊपर से हम थोड़ा सा दही डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा इसका लुक दिखने में लगेगा। तो आप लोग भी अपने घरों पे इस तरीके का कोफ्ता जरूर ट्राई कीजिए, और हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।